गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। सो बिफोर डिस्कसिंग द टुडेज टॉपिक डीमेरिट्स और वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट अस रिवाइज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। We have discussed about the definition of democracy, in which we have discussed, we come to know that the definition of democracy is, it is a form of government, the rulers are elected by the people. And after that, features of democracy, means what qualities must have democracy there. So first feature we have डिस्कस्ड, गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी कि बताया था मैंने आपको कि सरकार जो है वो लोगों की इच्छानुसार बनाई जाती है या परफॉर्म होती है। ठीक, सेकेंड उन्होंने बताया था कि जो भी डिसीजन है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाना चाहिए, और इसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था पाकिस्तान का, जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि जनरल थे, और उन्होंने जो है सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी और डिसीजंस वही लेते थे क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि जनरल जो वो इलेक्टेड नहीं होता, आर्मी का जनरल इलेक्टेड नहीं होता है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पपेट थी एक तरीके से, उसका जो डिसीजन है वो कोई माने नहीं रखता था। और इसके बाद हमने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया था जिसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही कंटेस्ट करती है, और अगर अदर अलायंस हैं भी तो वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेकर के इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया था आपको फेयर इलेक्शन, इसमें हमने आपको क्या किया था, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, और फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि फेयरली इलेक्शन होना चाहिए, कोई गलत जो है मीन्स या अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। फिर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी कि वन पर्सन मीन्स ईच पर्सन मस्ट बी गिवन द राइट टू वोट वन वोट, एवरी पर्सन मस्ट हैव गिवन वन वोट, एंड आफ्टर दैट वॉट हैपन, एवरी पर्सन वोट वैल्यू शुड बी वन। इसमें हमने आपको एक उदाहरण दिया फिजी का, जिसमें कि इंडिजिनस फिजियंस की वैल्यू जो है वो इंडियन फिजियंस से ज़्यादा होती है। ठीक, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, इसमें हमने आपको जिम्बाब्वे के बारे में बताया था, रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के लीडर थे, और उन्होंने आखिर में क्या है, हालांकि वो पॉपुलर थे, सब उन्हें चाहते थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने जो है क्या किया, सारी पावर अपने हाथ में ले ली, और जो जुडिशरी थी, जुडिशरी माने न्यायपालिका, उसके भी डिसीजंस का उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी कहना चाहिए कि कोई परवाह नहीं की। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो लोगों का राइट था, राइट टू फ्रीडम ऑफ मींस ओपिनियन, टू एक्सप्रेस ओपिनियन, वो राइट उन्होंने लोगों को नहीं दिया, और किसी को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था, और जो पार्टीज़ थी वो अपोज़ भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था। आज जो है हम आपको अब डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स और वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स माने कमियां, कमजोरियां या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पहला जो है इसका है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, एक्सपेंसिव गवर्नमेंट होती है, पैसा इसमें ज़्यादा खर्च होता है। इसका रीज़न क्या है कि ह्यूज नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं, और जब मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो नेचुरली जो है वो मिनिस्टर्स की जो नंबर है या संख्या ज़्यादा होगी, और इस तरह से इतने ज़्यादा मेंबर्स और मिनिस्टर्स की नंबर होने के कारण उन पर उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह से जो बजट है
उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इनकी सैलरीज में, अलाउंसेस में खर्च हो जाता है और दूसरे कामों के लिए जो है वो पैसा नहीं बचता। ठीक है, सेकेंड है रूल ऑफ मेजोरिटी। डेमोक्रेसी में क्या है, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, या जिस पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा होगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और लॉज भी वही बनाएगी और उसके वो जो लॉज हैं वो लागू किए जाएंगे। तो कैसे लागू किए जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे मेजोरिटी, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मेंबर्स हैं, उनका सपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा मेजोरिटी जो है जो कि इलेक्शन जीतती है वो माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखती। ठीक, और माइनॉरिटी कौन से होते हैं, जो वाइज होते हैं, पैट्रियोटिक होते हैं और जिन्हें पता लग जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, फार साइटेड पर्सन उनको कहते हैं, यानी कि जो फ्यूचर में क्या होगा उसका अंदाज पहले से लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे माइनॉरिटी के लोगों का जो है इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता या वो उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करते। तीसरा, और इस तरह से जब वो परवाह नहीं करते तो रिजल्ट क्या होगा, जो मेजोरिटी है उसका इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पूरा होता रहता है, अब वो अपने में ही मगन रहती है, अपने कामों को करती रहती है। तीसरा, बैड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी तरह से इलेक्शन को जीतना चाहती है और इसके लिए वो हर तरीके का कहना चाहिए कि हर तरीका जो है यूज़ में लाती है, चाहे कुछ भी हो, जो उनके राइवल्स होते हैं, राइवल्स माने अपोजिट, या अपोजिशन पार्टी का जो है कैंडिडेट वो उसका राइवल कहलाएगा, तो उसके अगेंस्ट में सब कुछ करते हैं, लोगों को झूठा प्रचार करके या झूठी झूठी बातें कह करके अपने राइवल, अपने विरोधी के जो है खिलाफ़ कर लेते हैं और उस तरह से वो गवर्नमेंट, उनका जो वोट है वो अपने फेवर में ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात वो क्या करते हैं कि लोगों को जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो है डिवाइड करते हैं, मतलब कास्टिज्म है, लैंग्वेज है और धर्म या रिलीजन, इस बेस पर जो है लोगों को डिवाइड करते हैं और अपना जो उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम जो है वो पूरा कर लेते हैं। फोर्थ है, इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द रिच। होता क्या है कि ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है उसमें पावर जो है वो इंडस्ट्रियस, बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड्स के पास होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये लोग जो हैं वो पार्टियों को चंदा देते हैं और इस तरह से जो गवर्नमेंट है जितना भी जो भी डिसीजंस लेती है वो क्या करती है, वो उन्हीं के फेवर में लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो रिच पर्सन्स की है, यानी कि रिच पर्सन जैसा चाहें वैसा गवर्नमेंट को चला सकते हैं और गवर्नमेंट उनको जो है वो क्या करती है, उनका ध्यान रखती है। इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो डॉलर डेमोक्रेसी कहलाती है। डॉलर एक तरीके की करेंसी है अमेरिका में, जैसे आपके यहाँ रुपया होता है ऐसे ही अमेरिका में जो है वो डॉलर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर कहने का मतलब ये हो कि जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है वो क्या है, डॉलर डेमोक्रेसी है, पैसे की डेमोक्रेसी है। ठीक है, जो रिच लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पावर को क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं पुअर लोगों की कॉस्ट पे, क्योंकि देखो पुअर भी हैं रिच भी हैं, जब रिच पर्सन्स की जो इंटरेस्ट है जब पूरा होगा तो पुअर जो है वो क्या करेंगे, हट जाएंगे या पुअर को उसका नुकसान हो जाएगा या उसको कीमत चुकानी होगी। अनस्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि लोग गवर्नमेंट को किसी भी समय चेंज कर सकते हैं, अगर वो गवर्नमेंट लोगों के इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर लोग
गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस गवर्नमेंट को चेंज कर लेते हैं। मल्टीपल पार्टी सिस्टम में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कोलिशन गवर्नमेंट का इस समय जो है वो ट्रेंड है, और कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है कि जब एक सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं पाती है तब वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ मिला लेती है, ले आती है और इस तरह से मेजॉरिटी गेन कर लेती है पार्लियामेंट में, और उसे गवर्नमेंट बनाने का जो है क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है, या वो गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है। और इसके अलावा जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होती है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, और अगर एक भी पॉलिटिकल पार्टी डिससेटिस्फाई हुई तो क्या होगा, वो जो है सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लेती है और जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स बिकम्स ए प्रोफेशन। पॉलिटिक्स प्रोफेशन हो जाती है, जबकि लोग क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स राजनीति जो है वो जनता की सेवा करने का एक साधन है, एक जरिया है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि आज के जो राजनीतिक नेता हैं वो जनता की सेवा कम, अपना स्वार्थ जो है वो ज़्यादा पूरा करते हैं। ठीक है। जो इनोसेंट लोग होते हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं और उनका शोषण होने लगता है, वो एक्सप्लॉइट होने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने फैमिली मेम्बर्स को फ़ायदा पहुँचाती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपकी इंडिया में भी हैं जिसमें कि एक जो फैमिली है उसके अंदर ही जो है पावर डोमिनेट रहती है, उसके बाहर नहीं जाती, उसके बाहर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का जो मौका है, अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलती है। ठीक। वीकेंस नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी को जो है वो कमज़ोर करती है। जैसे हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो राजनीतिक नेता हैं वो क्या करते हैं, जनता को आपस में डिवाइड कर देते हैं कई तरीके से। बताया था आपको कि रीजनलिज्म के, लैंग्वेज के, कास्ट के बेस पर डिवाइड कर देते हैं और अपना जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में हर एक को फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है डेमोक्रेटिक राइट्स में, आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स में राइट टू फ्रीडम है उसमें एक क्या है, फ्रीडम सिक्स टाइप की फ्रीडम है, यहाँ डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। आपको केवल ये समझना है कि राइट टू फ्रीडम है, आप फ्री हैं। ठीक है। या गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम दे रखी है, इस फ्रीडम का लोग वह गलत फ़ायदा उठाते हैं और इससे जो है देश की जो यूनिटी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है, उसको अस्थिर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे, जनता को कई आधार पर कई प्रकार से बांटकर, लास्ट में क्या है, मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज लोअर्स। हर कैंडिडेट गलत सही फेयर एंड फाउल मेथड्स को जो इलेक्शन है उसको जीतने के लिए अडॉप्ट करता है और वो किसी भी तरह से उसका जो एम, फाइनल एम होता है वो क्या होता है, इलेक्शन को जीतना। ठीक है। इलेक्शन को जीतना है किसी भी तरह से, तो इसलिए क्या होता है, वो कई तरह के जो है क्या होता है, अपनाता है, मेथड्स अडॉप्ट करता है, चाहे कुछ भी हो उसको जो है जीतना है इलेक्शन, इसके लिए झूठे वायदे करता है और अपना जो राइवल्स है, जो विरोधी है, उसके प्रति जो है वो झूठी झूठी बातें फैलाता है ताकि लोग विरोधी के ख़िलाफ़ हो जाएं, जो राइवल है उसके ख़िलाफ़ हो जाएं और अपना जो वैल्यूएबल वोट है वो उसके फेवर में दे दें और वो जो है चुनाव को जीत जाए, इलेक्शन जो है वो जीत जाए। ठीक है। और इस तरह से वो जनता से सभी तरह के झूठे वायदे करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो पब्लिक नेता हैं वो पब्लिक से झूठे वायदे करते हैं,
खूब वायदे करते हैं इलेक्शन से पहले कि साहब हमें वोट दीजिए, आपके वोट से हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी तो क्या होगा, हम ये योजनाएं लागू करेंगे, ये आपको फ़ायदा होगा, ये कार्य करेंगे, ठीक है। और जो हमारे लोग हैं, वोटर्स जो हैं, वो इस उनके कहने में आकर के अपने वोट जो है उनके फेवर में दे देते हैं, और सरकार बनते ही जो है वो सारे वायदे भूल जाते हैं राजनीतिक नेता, ठीक है। तो टुडे वी हैव डिस्कस द डीमेरिट्स और वीकनेसेस और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डिफाइंड डेमोक्रेसी है और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या व्हाट आर द डीमेरिट्स और वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी, या एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट या गिव द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम लास्ट चैप्टर करेंगे, तब आपको बताएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको अपनी जो कॉपी है, क्लास कॉपी, उसमें लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है जो पिछले हमने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे, ठीक। और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम आपसे डिस्कस करेंगे, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे ऑल ऑफ यू।